मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था आधार सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ने वहाँ पर कमेंट किए, पूछ रहे थे कि कैसे हमको आधार सेंटर लेना है हमारे स्टेट में। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक CCPA हैं तो कैसे आप आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार सेंटर हम कैसे ले सकते हैं, ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि आधार सेवा लेने के बाद आप कैसे काम करेंगे, आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप CSE के जरिए काम लेना चाहते हैं आधार का काम, तो आपको यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, इतना आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नया आधार कार्ड नहीं बना सकते। साथ ही आप किसी भी कस्टमर का, किसी का भी आप आँखों का, हाथों का यानी कि बायोमेट्रिक और फोटो ये चेंज नहीं कर सकते अगर आप आधार UCL लेते हैं। तो अगर आपको फिर भी लेना है CSE के जरिए आधार UCL का काम, तो सबसे पहले जान लीजिए कुछ दिन से ही CSE UCL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे हम यहाँ पर CSE आधार UCL रजिस्ट्रेशन लिखते हैं और यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक आता है इस पर क्लिक करेंगे तो सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है। दरअसल ये वेबसाइट में अभी दिक्कत आ रहा है। काफ़ी सारे लोग ने वहाँ पर कमेंट भी किए थे कि CSE के जरिए अगर आपको आधार सेंटर लेना है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी संपर्क करते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी अगर आप कंप्लीट करते हैं तब आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका वेबसाइट अभी नहीं चल रहा है। तो अभी करें तो करें क्या? तो जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप वहाँ पर ऑफलाइन नहीं कर सकते, वो ऑफलाइन सिस्टम नहीं है, आपको वेट ही करना है। इसके पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है, सब कुछ बताऊंगा। चलिए मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पर गूगल पे आके यहाँ पर टाइप करते हैं आधार UCL रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले लिंक आता है eseva.csecloud.in का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सर्विस अनअवेलेबल, HTTP का एरर आ रहा है 503 का। तो इसका मतलब ये वेबसाइट बंद नहीं हुआ है, ये वेबसाइट का अपडेट चल रहा है। तब तक आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट अगर आपका रेडी हो जाएगा तो आप बाद में आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में तो सबसे पहले आता है CSE ID, आपके पास एक CSE ID होना चाहिए। इसके बाद आप एक बैंक BCBL लिए होना चाहिए CSE के जरिए, एक्सिस का हो, HDFC का हो, कोई भी बैंक का क्यों ना हो। इसके बाद आधार सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। आधार सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं आपको नहीं पता, तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही आपको एक लैपटॉप एक्स्ट्रा सेपरेटली लैपटॉप रेडी करना होगा और छोटा मोटा जो आपको सामान लग देगा, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके डिटेल्स में जा सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लगता है आधार सेंटर CSE के जरिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि CSE का UCL रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन सा डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक बार आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो आप आना है गूगल पे और आपको टाइप करना होगा आधार UCL रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी के लिए फ़िलहाल सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है, लेकिन जब ये यहाँ पर वेबसाइट खोल जाएगा तो आप यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी फिलअप कर सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करके आराम से CSE का काम ले सकते हैं आधार का। और वहाँ पर आपको आधार का नेम चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप इतना काम कर सकते हैं। आप आधार में नया अप्लाई नहीं कर सकते कस्टमर का, या फिर इरेज, बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट नहीं कर सकते CSE के जरिए आधार का काम लेने के बाद। एक और भी बात है, काफ़ी सारे लोग जिनके पास CSE ID नहीं है वो लोग भी आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास CSE ID नहीं है और आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपके स्टेट का नाम लिखें, तो हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कि आपके स्टेट में कैसे आप बिना CSE ID के आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। एक बार आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो आपको एक फॉर्म को भी फिल करना होता है। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर मैंने सैंपल दिया हुआ है, इस फॉर्म का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ। यहाँ पर डिटेल्स में लिखा गया है एनरोलमेंट एजेंसी, और यहाँ पर एजेंसी नेम CSE बैंक BC लिख देना है, रजिस्ट्रार नेम में CSE ई गवर्नेंस लिख देना है। इसका एक ब्लैंक फॉर्म भी मैंने दे दिया हूँ उस वीडियो के नीचे, आप जाके देख सकते हैं।
और यहाँ पर क्या क्या भरना होगा डिटेल्स में लिखा गया है। सुपरवाइजर नेम यानी कि वेली नेम यहाँ पर लिखना है, सुपरवाइजर का फादर नेम यानी कि वेली का फादर नेम यहाँ पर लिखना है, बीसी सेंटर एड्रेस यहाँ पर लिखना है, फोटो देना है यहाँ पर, आधार नंबर देना है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट डेट यहाँ पर देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। तो ये फॉर्म का लिंक मैंने नीचे दे दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।